दोस्तों, श्रीलंका प्रीमियर लीग में कैंडी फाल्कन्स और गॉल ग्लेडियर्स के बीच मुकाबला खेला गया। इसमें कैंडी फाल्कन्स ने 5 विकेट से बाजी मारी, लेकिन इस मैच में कैंडी फाल्कन्स के स्टार प्लेयर चमिका करुणारत्ने चोटिल हो गई, उनके दांत भी टूट गए और लाइव मैच में ही उन्हें मैदान के बाहर जाना पड़ा। दरअसल कार्लोस ब्रैथवेट की गेंद पर नुवानिंदु फर्नांडो ने लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। गेंद कैच करने के लिए चमिका करुणारत्ने पीछे की तरफ भागे, उन्होंने बेहतरीन कैच लप कर, लेकिन कैच लेते समय गेंद सीधे उनके मुंह पर लगी, जिससे उनके 3-4 दांत टूट गए और वह तुरंत ही मैदान से बाहर चले गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वह अभी ठीक है और बाकी बचे मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। अगर हम मैच की बात करें तो गॉल ग्लेडियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फाल्कन्स को 122 रनों का टारगेट दिया, जिसे कैंडी फाल्कन्स ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। फाल्कन्स की तरफ से कार्लोस ब्रैथवेट ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। उनकी वजह से गोल टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पर मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी स्पोर्ट्स से जुड़े वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।